हेलो दोस्तों, प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। लगभग आप देखेंगे इंग्लिश जहां भी पूछी जाती है इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे आजकल लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। आपने देखा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द हो गई, इस पर किसी ने कुछ खास कहा नहीं, लोगों ने समझा नहीं कि वास्तव में रद्द हुई, जरूरी था कि नहीं था। ये बात कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सही है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं सही है, कुछ घर वाले कह रहे हैं सही, कुछ घर वाले नहीं कह रहे हैं कि नहीं सही है। कंफ्यूजन बरकरार है, फिलहाल कंफ्यूजन चलता रहेगा। आंसर चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आते हैं सीधे, देखते हैं प्रीपोजिशन पर। इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें दो चीजें जुड़ी हैं। एक तो है प्री, आपने नाम सुना होगा इसका। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता फर्स्ट, प्री का मतलब होता है फर्स्ट अर्थात पहले। अगर किसी पोजीशन से पहले हम कोई चीज यूज करते हैं, किसी भी पोजीशन मतलब सिचुएशन, स्थिति, मौजूदगी के पहले अगर हम कोई चीज यूज करते हैं तो उसी को प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक, जैसे हम एग्जांपल ले ले, यहां पर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा यू आर इन द रूम, आप कमरे में। इसमें देखेंगे कि आप कमरे में हैं, इसको कौन बता रहा है? केवल और केवल इन बता रहा है। आपकी पोजीशन कौन बता रहा है? इन बता रहा है। तो इन यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें, यू आर द रूम, अब बताओ यहां पर हो गया तुम कमरा हो, यानी कि कमरे हो, तो पोजीशन गायब हो गया इसका मतलब। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को लगता है बहुत सरल भी होता है, कुछ लोगों को लगता है बहुत कठिन भी होता है। तो ये सारे डिस्कशन, जो भी कंफ्यूजन, जो भी इसमें शक की बातें हैं, सब हम खत्म करेंगे। दोस्तों अगर आप यहां पर देखना चाहें, जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछें, सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर हम लिख लें। जैसे हमने लिखा पहला क्वेश्चन कि ही इज सिटिंग, वह बैठा है डॉट 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 द ट्री। यह क्वेश्चन बनता है प्रीपोजिशन। अब इसके लिए हमने चार ऑप्शन रख दिए यहां पर, और इसका हिंदी में मतलब हुआ कि वह पेड़ के नीचे बैठा। पहला ऑप्शन हमने इसके लिए रखा इन, दूसरा हमने रखा अंडर, तीसरा हमने रखा अपॉन, और चौथा हमने रख दिया एट। तो इस तरह से हमने चार ऑप्शन रख दिए। अब आपको इस क्वेश्चन को सही करना होगा, तो आप जानते तो एट आ नहीं सकता है क्योंकि नीचे है। अपॉन का मतलब पर, जब कोई चीज नीचे से कहां जाती है ऊपर, तो वहां पर हम लगाते हैं अपॉन। एक देखें अंडर होता है और एक देखें इन होता, दो बातें यहां पर छुपी हुई। तो आपने पढ़ा होगा बचपन से, आपको पढ़ाया जाता है कि आई एम स्टैंडिंग डॉट 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 द ट्री, यानी कि मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूं। अब इसके लिए हमने दो ऑप्शन रखे, एक रखा इन और दूसरा रखा अंडर। अब आपको दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन टिक करना होगा। तो आपको बचपन से पढ़ाया जाता है कि ही सिटिंग अंडर द ट्री, लेकिन सिचुएशन ऐसा नहीं बच्चे। इस सेंटेंस में सही क्या होगा इसका आंसर? कि आई एम स्टैंडिंग इन द ट्री। अब ये बात आपको कैसे सही लगेगी कि इन द ट्री? ये तो कहेंगे कि इन माने किसी चीज के जब कोई अंदर होती है, तो ऐसा नहीं है बच्चे। जब आप अंडर की बात करेंगे, अंडर का मतलब होता है जब कोई चीज किसी के नीचे होती है, इलाका है इसके नीचे है, तो ये क्या हो गया? अंडर हो गया। लेकिन यहां पर देखेंगे ये है पेड़, ये पेड़ है। अब इस पेड़ के नीचे कोई आएगा तो पेड़ के नीचे नहीं आएगा, इसके छत
छांव के नीचे आएगा, जहां जहां पेड़ तो यह इसके नीचे थोड़ी जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे ना, ये पेड़ है इसके नीचे आप नहीं जाओगे, यहाँ उसकी सोलिया खोदोगे वहां घुस जाओगे और वहां से कहोगे कि आई एम सीटिंग अंडर द ट्री, तो ऐसा नहीं होगा बच्चे। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और यही चीज हम आपको प्रीपोजिशन में समझाने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले तमाम लोगों से, तो ऐसा कुछ है नहीं, हम यही चीजें आपको समझाने वाले हैं। पहले इसके टाइप देख लेते हैं, इसके टाइप दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, एक क्या है सिंपल प्रीपोजिशन, और दूसरा होता है फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन इस तरह से दो प्रीपोजिशन होते हैं, सिंपल होता है और फिक्स होता है, और दोनों में क्या अंतर होता है कि कोई भी प्रीपोजिशन हो, ठीक, कोई भी प्रीपोजिशन हो, अगर हम उसको किसी भी वर्ब के साथ फिक्स कर दें, जैसे हमने यहां पर कह दिया, आपने एक शब्द आजकल बहुत सुना होगा, फ्रेज यूज होता है गिव, गिव माने क्या, देना, और इसी के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स होता अब और एक फ्रेज बनता है, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं गिव अप। अब गिव अप का मतलब क्या हो जाएगा, देना नहीं, गिव अप का मतलब छोड़ देना, जब कोई चीज हम अपने आप से एक्सेप्ट कर देते हैं तो उसको कहा जाता है गिव अप। तो यही जो हमारा फिक्स प्रीपोजिशन होता है दोस्तों, ये निर्माण करता है प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब का, इसी यही किसका निर्माण करता है, प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब का। और ये चीज आपको सीखनी चाहिए, अदरवाइज आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ में आएगी बच्चे, क्योंकि आप अगर देखेंगे किसी भी प्रीपोजिशन को अगर किसी भी वर्ब के साथ लगा लिया जाता है तो उसकी मीनिंग में पूरा चेंज आ जाता है, और उसी पूरा चेंज के कारण ही यह क्या हो जाता है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप देखेंगे यहां पर क्या है, जंप, जंप है, जंप का मतलब क्या होता है, कूदना, इसी जंप के आगे हमने क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया। अब बताइए जंप ऑफ का मतलब क्या होगा, ये नया प्रीपोजिशन बन गया दोस्तों। तो इसी तरह से हर जगह अगर हम किसी भी प्रीपोजिशन किसी वर्ब के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशन तैयार हो जाता है, और अदरवाइज नहीं तो सिंपल है हमारा। इसके लगाने के लिए अगर आपको इसकी समझ है तो कोई भी नियम, एक भी नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा, एक ले लिया ऑन, ऑन और अपॉन, ऑन और अपॉन। अब इन दोनों प्रीपोजिशन को लगाने में क्या अंतर हो सकता है, अगर आप इनके नियम पढ़ेंगे कि कैसे लगाते हैं, इनके रूल पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। लेकिन अगर आप इनके बात डायरेक्ट समझे, आन का मतलब क्या होगा कि जब कोई चीज किसी के ऊपर हो, किसी के क्या हो, ऊपर हो और टच करती हो, ऊपर हो और क्या करती हो, टच करती हो, ठीक बच्चे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और अपान का मतलब क्या, पर, किसी के ऊपर, लेकिन जब वह कहां नीचे से जाए ऊपर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा, ठीक ना बच्चे। तो ये चीज आपको समझ, नीचे से ऊपर क्या हो गया, अपान हो गया, और कोई चीज किसी के ऊपर है और टच है तो क्या हो गया बच्चे, ऑन हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे आपके सर पे टोपी है तो द कैप इज ऑन योर हेड या अपॉन योर हेड या ओवर योर हेड, क्या होगा, तो आपको सीधा सीधा समझना है ऊपर है टच है तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर हमने कहा कि टच नहीं है तो, टच नहीं है तो इसके लिए नया प्रीपोजिशन आ जाता है जिसको हम ओवर कहते हैं, ठीक, टच नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, ओवर कहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको प्रीपोजिशन की बेहतरीन समझ हो जाएगी, और लगभग लगभग जो सभी एग्जाम में, हाई स्कूल में, इंटर में, एसएससी में, बैंक में, पीओ में, उसके बाद जितनी भी परीक्षाओं में इंग्लिश पूछी जाती है, आप प्रीपोजिशन के सभी क्वेश्चन को बिना किसी रूल के, बिना किसी नियम के 100% एकदम उड़ा डालेंगे, एकदम उड़ा के
गर्दा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। प्रीपोजिशन के आज नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।